हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है मेटफॉर्मिन टेबलेट पर, जो कि शुगर के मरीजों को प्रिस्क्राइब की जाती है। आज हम इस टेबलेट की पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में, इसके उपयोग देखेंगे, इसके काम करने का तरीका देखेंगे, किस किस ब्रांड नेम से और किस डोज स्ट्रेंथ से अवेलेबल है ये, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आते हैं, इस क्या सावधानियाँ बरतनी है इसको लेने के साथ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, अगर ओल्ड ग्रुप के पर्सन हैं तो और बच्चों को लेना सही रहेगा या नहीं, इसके बाद इसके कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है, किन बीमारियों में हमें इसे लेने से बचना है, तो ये सारी जानकारी आज हम देखेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास समय पर ऐसी जानकारी और वीडियोस मिलते रहें, तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मेटफॉर्मिन टेबलेट का उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग कब कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मेटफॉर्मिन टेबलेट है वो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब कि आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये नहीं मिलेगी। आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो आपको डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा होना चाहिए, तभी आपको ये टेबलेट मिलती है, यानी कि बिना डॉक्टर के पर्चे से आपको ये टेबलेट नहीं मिलेगी स्टोर पर। इसके बाद ये ओरल टेबलेट आती है और इसका ओरल सॉल्यूशन फॉर्म में भी आती है। मेटफॉर्मिन जो टेबलेट है, दो टाइप की टेबलेट आती है इसकी, पहला है इमीडिएट रिलीज टेबलेट और दूसरी है एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट के फॉर्म में मिलती है। जो मेटफॉर्मिन है इसका उपयोग हाई ब्लड शुगर के लेवल को ट्रीट करने के लिए किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में, मतलब कि शुगर के लेवल को कम कर देती है आपके ब्लड में। इसके बाद है, अगर इसको कुछ कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाए, यानी कि एक बेटर डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ अगर इसको उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद है, ये जो ड्रग है ये कॉम्बिनेशन थेरेपी के फॉर्म में यूज़ होती है, मतलब इस टेबलेट के साथ में कुछ अदर टेबलेट भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम इसकी मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं मेटफॉर्मिन टेबलेट के। ये जो मेटफॉर्मिन टेबलेट है बाइगोनाइट क्लास से बिलोंग करती है। इसके हम कुछ काम देख लेते हैं, ये काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, पहला है कि ये ग्लूकोज के अमाउंट को आपके ब्लड में कम कर देती है, जो कि ग्लूकोज एक्स्ट्रा शुगर के फॉर्म में आपके लीवर में जमा हो जाती है। इसके बाद है, सेकेंड है, आपकी बॉडी से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। तीसरा है, इंसुलिन के लेवल को ये बढ़ाती है आपकी बॉडी में। इंसुलिन क्या है? तो जो इंसुलिन है एक हार्मोन है जो कि आपके ब्लड से एक्स्ट्रा शुगर को रिमूव करती है और आपके ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। तो इस प्रकार ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है स्टमक प्रॉब्लम होना, डायरिया हो जाना, नोजिया आना यानी कि उबकाई आना, स्टमक पेन, हार्ट बर्न और गैस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस टेबलेट के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो लैक्टिक एसिडोसिस होता है, जिसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि थकान लगना, कमजोरी लगना, अनयूजल मसल्स पेन हो जाना, इसके बाद है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, स्लीपीनेस होना, मतलब कि नींद आने लगती है बार बार हमें, इसके बाद है स्टमक पेन होना, नोजिया वोमिटिंग, चक्कर आना और हार्ट रेट का इरेगुलर हो जाना। सेकंड है, लैक्टिक एसिडोसिस के बाद है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड शुगर का लेवल कम हो सकता है, ये भी एक इसका सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। जिसके कुछ सिम्टम्स आएंगे, हेडेक हो जाना, वीकनेस आ जाना, कन्फ्यूज़न होना, चक्कर आना, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, स्वीटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना और हार्ट रेट का फास्ट हो जाना। तो ये सारे इसके, जब ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाएगा तब ये सारे सिम्टम आएंगे। अब हम मेटफॉर्मिन टेबलेट के कुछ डोजेस फॉर्म और डोज स्ट्रेंथ देखेंगे। जो मेटफॉर्मिन टेबलेट है वो जेनरिक नेम से भी आती है, तो जेनरिक हम देख लेते हैं मेटफॉर्मिन। ये इमीडिएट रिलीज ओरल टेबलेट के फॉर्म में आती है, जिसका डोज स्ट्रेंथ 500 mg, 850 mg, 1000 mg के फॉर्म में डोज स्ट्रेंथ अवेलेबल है। इसके बाद है एक्सटेंडेड रिलीज ओरल टेबलेट जो होती है, उसका डोज स्ट्रेंथ 500 mg, 750 mg, 1000 mg के फॉर्म में अवेलेबल है। इसका ब्रांड नेम अब हम देख लेते हैं, कुछ ब्रांड नेम से भी आती है, जैसे ग्लूकोफेस। ग्लूकोफेस इमीडिएट रिलीज ओरल टेबलेट आती है,
जो कि 500 mg एट 50 mg और 1000 mg में आती है। दूसरा है हम ग्लूकोफेज XR, अगर देखते हैं टेबलेट इसका ब्रांड नेम, तो ये एक्सटेंडेड रिलीज ओरल टेबलेट के फॉर्म में आती है जो कि 500-750 mg में अवेलेबल है। इसके बाद है अगला ब्रांड नेम है फोटामेट के नाम से आती है जो कि एक्सटेंडेड रिलीज ओरल टेबलेट आती है। इसका स्ट्रेंथ 500 mg 1000 mg अवेलेबल है। इसके बाद है ग्लूमेटज़ा आती है ब्रांड नेम से जो कि एक्सटेंडेड रिलीज ओरल टेबलेट है और ये 500 mg 1000 mg डोज स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इस टेबलेट के कुछ कंट्राइंडिकेशन है, मतलब कि इस टेबलेट को हमें कब कब नहीं लेना है, तो अल्कोहल के लिए एक स्पेशल वार्निंग दी गई है, हमें इस टेबलेट को लेने के साथ अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है क्योंकि इसके कारण लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा और आपकी जो परेशानी है वो बढ़ जाएगी, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद है किडनी प्रॉब्लम है अगर, तो किडनी प्रॉब्लम में लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आपको किडनी प्रॉब्लम में भी ये ड्रग नहीं लेनी है। लीवर प्रॉब्लम, अगर आपका लीवर डिसीज़ है आपको, तो इसमें भी लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, इसलिए आपको इस टेबलेट को नहीं लेनी है अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है। अब हम कुछ सावधानियां देख लेते हैं। इस टेबलेट के लिए कुछ एलर्जी वार्निंग दी गई है, आपको इससे सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, अगर आपको इससे कोई एलर्जी है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आपके थ्रॉट और टंग्स पर स्वेलिंग आ सकती है, हाइप्स हो सकता है। इसके बाद अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करें, तो फ्रेंड्स प्रेग्नेंट वूमन को अगर ये टेबलेट लेती हैं तो इसे फीटस में कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं फीटस को, इसलिए आपके डॉक्टर से आप बात ज़रूर करें। और अगर बहुत ज़्यादा लेना इम्पोर्टेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ की पेशेंट है अगर मदर, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इंसुलिन ले सकती है ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, और मेटफॉर्मिन को अवॉइड करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर लैक्टेशन की बात करें, तो अगर फीडिंग के दौरान अगर मिल्क में से पास हो रही है अगर ये ड्रग, तो बेबी को इससे नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए आपको लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर 80 साल से ऊपर के कोई ओल्ड एज के पर्सन हैं तो उन्हें मेटफॉर्मिन नहीं लेना है, हायर डोज से बचना है क्योंकि ज़्यादा एज के कारण लैक्टिक एसिडोसिस की समस्या बढ़ जाती है। इसके बाद है अगर बच्चों की बात करें, तो इमीडिएट रिलीज जो डोजेस फॉर्म है वो नहीं लेना चाहिए 10 साल से कम के बच्चों को, क्योंकि ये इनके लिए सेफ नहीं है और इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके बाद है जो एक्सटेंडेड रिलीज डोजेस फॉर्म है, ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लेना है क्योंकि इनके लिए सेफ इफ़ेक्टिव नहीं है। अब हम कुछ डाइट की बात कर लेते हैं कि आपका ये जो मेटफॉर्मिन का जो मेडिकेशन है, इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में आपकी लाइफ स्टाइल अगर चेंज करते हैं, आपकी डाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं और एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, स्मोकिंग नहीं लेते हैं, तो आपका ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी मेंटेन रहेगा और कम किया जा सकता है आसानी से। इसके बाद आप कुछ न्यूट्रिशनल जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे बात कीजिए, आपके रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनसे मिलिए और उनकी एडवाइस लीजिए, तो आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और सभी इस जानकारी का फ़ायदा ले पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।